तुम दोनों हम हैं अपने प्यारे प्यारे डैडी के नन्हे मुन्ने सुपरमैन। अरे बारे मेरे सुपरमैन। डैडी अब भी सुपरमैन बनकर क्यों नहीं चोर डाकू को खत्म कर देते? अरे बेटे तुम्हारे डैडी सुपरमैन नहीं सिर्फ एक मैन है, वो भी एक पुलिसमैन। इंस्पेक्टर साहब आप ये नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते? पिताजी का दिया हुआ हमारे पास इतना सब कुछ है, आपको नौकरी की क्या जरूरत है? नीता, इसी तरह अगर हर पुलिसमैन नौकरी छोड़ता रहे ना तो दुनिया में केके और बिच्छू जैसे लोग राज करेंगे। जेंटलमैन, जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया के हर मुल्क के कानून ने मौत के नशे की तिजारत के खिलाफ जंग छेड़ी हुई है और कई मुल्कों में किसी हद तक उन्हें कामयाबी भी मिली है, लेकिन हमारे मुल्क में इतने सारे छापे और गिरफ्तारियों के बावजूद यह धंधा कुछ बढ़ता ही जा रहा है। सर, अगर हमें गंगा में बहती हुई गंदगी के सैलाब को रोकना है तो गंगा को गंगोत्री से ही साफ करना होगा, और आप अच्छी तरह जानते हैं इस काले धंधे की गंगोत्री कौन है। सिन्हा, ये सच है कि इस धंधे के पीछे केके का हाथ है, मगर हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। अब बिना सबूत के केके पर हाथ डालने का मतलब सिर्फ नाकामयाबी ही नहीं बल्कि नौकरी से हाथ धोना भी हो सकता है। कानून का सिपाही फर्ज के लिए अपने जान से भी हाथ धोने से नहीं डरता, ये तो नौकरी है सर। आज से जिम्मेदारी मैं लेता हूं, अब चाहे जान जाए या नौकरी के कानून की गिरफ्त में होगा। एनीथिंग एल्स सर? नो थैंक्स। दो चार चीजों का ऑर्डर और दे दो के, क्योंकि हिंदुस्तान की जेल अभी इतनी दरिया दिल नहीं हुई जो तुम जैसे मुजरिमों को ऐसा खाना खिला सके। ये मत भूलो के, कोई भी मुजरिम इतना बड़ा नहीं होता जिसकी सजा कानून ने ना लिखी हो। आज नहीं तो कल कानून की बंद आंखों को वो सबूत की रोशनी मिल ही जाएगी जो तुम्हारे काले जुर्मों को दुनिया के सामने बेनकाब कर देगी। ड्रिंक। और तब वो सारे लोग जिनके रिश्तेदार माँ बाप भाई बहन जो तुम्हारे जहर के नशे को पहले तो शौक के लिए दौलत से खरीदते हैं फिर उसकी कीमत अपनी जिंदगी से चुकाते हैं, वो कानून से चिल्ला चिल्ला कर तुम्हारे लिए मौत नहीं बल्कि वो जिंदगी मांगेंगे जो मौत से भी बदतर होगी। तुम्हारे जैसे मामूली इंस्पेक्टर से वैसे भी 5-स्टार होटल के मैनर्स की उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन नाकामयाबी आदमी को इतना बौखला देती है मालूम नहीं था।
खैर तजुर्बे की दो बातें बतलाए देता हूं, याद रखना। एक, कानून और पुलिस के जाल में हमेशा छोटी मछलियां फंसा करती हैं, बड़ी नहीं। दूसरी बात, बगैर इजाजत अंदर नहीं आया करते, अंडरस्टैंड? बाहर जाने का रास्ता मालूम है तुम्हें? केके, तुम्हारे इस होटल के इतने दरवाजे हैं कि आदमी कहीं से भी निकल सकता है, लेकिन जेल की कोठरियों का एक ही दरवाजा होता है, जो एक बार बंद हो जाता है तो फिर बरसों बाद खुलता है। कमाल है हेड, उस मामूली से इंस्पेक्टर की इतनी हिम्मत, बगैर सबूतों के हमारे होटल में आपको ललकार के जिंदा चला गया। बेटा, मेंढक कितना भी उछल ले, पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। हेलो बुखरा से। हेलो ओके की साहब, तशरीफ रखिए। थैंक यू। कहिए के साहब, आपने अचानक माल के भाव क्यों बढ़ा दिए? हमारे धंधे में पुलिस की सख्ती जितनी बढ़ती है, बाजार उतना ही तंग होता है, और जब बाजार तंग होता है तो भाव तो बढ़ेंगे ही। कमाल है, ये सरासर बेईमानी है, बिजनेस नहीं, मुझे ये सौदा मंजूर नहीं। आप मेरा एडवांस लौटा दीजिए। मेरा नाम बिच्छू है और बिच्छू का काटा मरता नहीं तड़पता है, इसलिए एक बात याद रखना, ना तो हमें लिया हुआ पैसा लौटाने की आदत है और ना ऊंची आवाज में बात सुनने की। Get out! Out! बिच्छू साहब, ये हमारे इलाके में जासूसी कर रहा था, मैंने इसे गोलियों से भून डाला और यहां ले आया। बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया। तुम भूल गए, बिच्छू का काटा मरता नहीं तड़पता है, और तुमने इसे बिना तड़पाए मार दिया। आज पहली बार एक पुलिस वाला बिच्छू के बिल में आया और बिना तड़पे ही मर गया। जास्ती बुरा लगता है तो वापस जिंदा हो जाता है, इसमें फिक्र करने का कौन सा बात है? हाँ, एक कुत्ता रड़ा हाथ दे, चल चल देना रे। आयो अब हिलने का नहीं, डोलने का नहीं, कुछ हो गया तो बोलने का नहीं। चले धर चल धर, देखा देखा इंस्पेक्टर धासु का स्टाइल गिरी। चले नहीं कहता, नहीं चल चल, नहीं बोला ना, लान देन कान पड़ी। जिधर कोई पुलिस वाला नहीं जाता है उधर इंस्पेक्टर धासु जाता है, और ये सीटी बजाकर लोगों का बैंड बजाता है। क्या बकवास है ये सीटी? ओ, ये सीटी नवे सिग्नल है, इंस्पेक्टर धासु का ऑर्डर है। अरे हम ये सीटी बजाएंगे ना तो बाहर खड़ा हुआ पूरा पुलिस फोर्स अंदर आएगा और तुम मक्कारों का बाप अंदर हो जाएगा। पुलिस फोर्स घर के बाहर है? ओ, वाजू का मार, मार, नहीं, अरे इंस्पेक्टर धासु आप है? ओ, कमाल है, यो ग्रेट। मेरे को मालूम है मैं ग्रेटे करके। अरे मैं तो आपसे मिलने के लिए कितना बेताब था, पूछो नहीं, मैं तो आपसे बहुत जल्दी मिलना चाहता था। हाँ, मगर टाइम ही नहीं मिला हमारा तुमको मिलने का। ए, इंस्पेक्टर साहब के लिए मिठाई का डिब्बा लाओ। मिठाई मेरे वास्ते काय को मिठाई बाबा? आपके बाल बच्चों के लिए। मेरे बाल बच्चों को मिठाई खिलाने का है क्या? जा जाकर कोल्हापुर में खिला। अरे तुम जाएंगे ना तो भी कोई नहीं खाएगा। मगर ये ऐसी मिठाई है जिसे बच्चे बूढ़े जवान सभी लोग बहुत खुश होकर खाते हैं। रिश्वत जमाइला हफ्ता, यानी कि इंस्पेक्टर धासु को खरीदने का कोशिश। अरे देश के गद्दार स्मगलरों के सरकार, इंस्पेक्टर धासु मिठाई के एक डिब्बे पे तो क्या पूरा मिठाई के दुकान में भी नहीं बिक सकता है। हो, दोस्ती खाते का बात करेंगे तो फिर सोचना ही पड़ेगा, नहीं तो सीटी बजाएगा। इंस्पेक्टर साहब, मैं तो आपसे दोस्ती कर रहा हूं। ऐसा एक मिठाई के डब्बे का दोस्ती हम नहीं करते। एक डब्बा और लाओ। अच्छा दोस्त यार, तुम अभी तुम्हारा हमारा काय झाला, अभी तुम्हारा हमारा दोस्ती हो गया, इसलिए ऐसा बोले तो ऐसा ही चा, ऐसा ही एक सवाल तुमसे पूछता है, तुम काम क्या क्या करता है? अरे बस ऐसे कुछ इधर उधर कर लेते हैं। ये घड़ियाल इधर का है कि उधर का है? उधर का। तो इधर करो ना। ए ए, मार मार
धाड़ पड़ना तुझे घर ही सूट करता है ना मेरे को है? वो क्या है? अब चलो इधर, हम पूछते हैं वो क्या है? अब ग्लूकोज है, हम भी ग्लूकोज खाएंगा। नहीं नहीं, ये बहुत खराब क्वालिटी का है। मैं काम करता हूँ तुम्हारे लिए, अच्छे वाला डब्बे वाला तुम्हारे घर पे भिजवा देता हूँ। हमारे घर का एड्रेस ही नहीं है तुम्हारे पास, तो फिर किधर भेजेंगा? इधर ही दे डालेंगे तो कैसा रहेगा? मैं भिजवा देता हूँ, भिजवा। तुम सोच लो, इधर दे डालेंगे तो कैसा रहेगा? तुमको भी तकलीफ नहीं, हमको भी तकलीफ नहीं। ठीक है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए हाई क्वालिटी का ग्लूकोज लेकर अभी आता हूँ। अच्छा दोस्त है तुम, अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है तुम, लेकिन चल हम बहुत घटिया दोस्त है। जब महिला मला शेटी लावाला बघतोस। बोले बे तू? अरे कन्नू, ये क्या लिया अपना रखा है? पहचान लिया क्या? तो बोला गए को बंबई में दो चीज फेमस है, एक मराठी मानूस, एक उसका झापड़। चले बाप कमाटी पूरा चले आ गया। हाँ बैठो, चल फिर। चले बेड़े सल्टी मार, चल। ये अनवर, 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 जल्दी जल्दी से। और खुदा की कसम तेरे को किसी को बोलना नहीं कि अपने तेरे पास बैग रखा हुआ है, कल अपन आके ले जाएंगे। क्या अपन को जल्दी से निकलना, तेरा एक जोड़ी कपड़ा दे दे मेरे को, जल्दी सल्टी मारना। चल ये बिल्डिंग को चादरों से घेर लो। अरे फू भाई फू, फुगड़ी फू, कशाला लपड़त पड़ला तू गप्प। क्या बाप? क्यों बच्चे? बेटा कन्नू, अगर तू अपने आप को इन गुंडों से बचाना चाहता है तो बेटे घुस जा जेल में, मगर मैं अंदर जाऊंगा कैसे? फॉर्मूला नंबर 44। कहाँ गया मेरा बंदर? डुकु 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 भाई है, बंद कर दो उसको। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मुझे अंदर कर दो प्लीज, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। थैंक यू। क्लब में मुझसे चीटिंग करता है? मैंने कोई चीटिंग नहीं की बिच्छू साहब। तो ये क्या है? तीन तीन कौन हो तुम? मनु। कौन मनु? तेरा बाप। फंकोला, बिच्छू का काटा मरता नहीं तड़पता है, और सांप का काटा तड़पता भी है और मरता भी है, समझा? बिच्छू की बिल में आके तू जिंदा वापस नहीं जा सकता। धमकियों से गीदड़ डरते हैं,
शेर नहीं। ये लो संभालो तुम्हारे पैसे, और आइंदा इधर कभी मत आना समझे। बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस स्टेशन, इंस्पेक्टर साहब यही है वो गुंडा, अरेस्ट हिम। लेकिन लेकिन मनु भाई अपन को तुम्हारा डिंग डॉग बहुत पसंद आया भाई। देखिए दारू ने मतलब गाना नहीं। लेकिन मनु भाई तुम अपन को इधर जेल में भेंडी दारू पिलाया लोन है लोन। यार क्या बात कर रहे तू, अपुन ने तेरे को जेल में डालो पिला, तू अपुन को जेल के बाहर डालो पिलाना हिसाब। मनु भाई अभी तू अपुन का दोस्त बन गया इसलिए बोलता है, अपुन के पास एक ऐसा बैग है दबाओ। क्या दबा यार, बटन दबाओ और सारी दुनिया को नशे में झुलाओ इतना माल है। देखो आज तुम दोनों छोटी सजा काट कर आजाद हो रहे हो, लेकिन अगर तुमने गुनाहों का रास्ता नहीं छोड़ा तो याद रखना ये सजा इतनी लंबी हो सकती है कि तुम्हारी सारी जवानी जेलों में ही खत्म हो जाएगी। इंस्पेक्टर साहब आपने अपनी जिंदगी में बहुत जेलें देखा है, लेकिन आप जैसा नेक और ईमानदार ऑफिसर आज पहली बार देखा है। इंस्पेक्टर साहब अपुन आपकी नसीहत का इज्जत करेगा और यह कोशिश करेगा कि अपुन दोनों जेल का मुंह फिर कभी नहीं देखे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू साहब। रखना बाबा कानपड़ में दूंगा, रख ले चल। जियो सेठ पुखराज क्या माल कमा लिया सर, किस्मत घुल गया सरेगा। चल बाबा चल भाई। मनु भाई अपन बहुत बड़े आदमी बन गए, मेरा भाई मेरा दोस्त मेरा यार। ये वही जो अपन तेरे को बोल रहा था ना, ये माल मिल गया अपन ये माल ले जाकर फुकरा सेठ को देगा, फुकरा सेठ मेरे को 5 लाख देगा, मैं बड़ा आदमी बन जाएगा, बाकी जो तेरे को वादा किया ना तेरा दारू का फैक्ट्री पक्का है। इंस्पेक्टर धांसु पहचाना इसे, बिच्छू का काटा मरता नहीं तड़पता है। देखा कन्नू, बिच्छू का माल हजम कर जाना कोई आसान बात नहीं है।
मानो तो इसका आदमी हाँ जिस तरह तू उखराज का आदमी है ना वैसे ही चपोन बिच्छू का आदमी है तूने बिच्छू को उल्लू बना और अपुन ने तेरे को वैसे अपुन दोस्त सिर्फ पैसे का है पैसे का ओके बॉस अपुन समझता है लॉस होने पर आदमी ऐसे ही बिहेव करता है ये ले इसकी थोड़ी दारू टिका देना सब ठीक हो जाएगा चला ठीक है बाबा ठीक है अपुन तेरे साथ दोस्ती नहीं और तू मेरे को 2 रुपये का नोट दिखाया ठीक है मगर इतना याद रखना कन्नू के साथ झूठी दोस्ती का नाटक करके तूने बहुत कम कीमत पाई मगर दुश्मनी करके तेरे को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी याद रखना कसम धंधे की इस धंधे में ऐसी कौन सी लड़की है जो इस खानदानी धंधे वाले को नहीं जानती लेकिन बादशाह ये जो लड़की है ना इसकी शक्ल मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी थी कहो तो कोई अच्छा सा माल पेश करू ना मर्दों के हाथ में ये मर्दों वाला खिलौना अच्छा नहीं लगता पता नीलू कहाँ है मैं नहीं जाता नीलू किधर है नहीं जानता बोल कमीने मेरी बहन कहाँ है जिसे तू नौकरी के बहाने ले आया था बोल मुझे नहीं मालूम बोल नीलू कहाँ है उसे जैसे मेरे इरादे का पता चला वो मेरी चुगल से भाग गई मारा मारी तो अपुन ने बहुत किया जिंदगी में लेकिन मारा मारी का ऐसा स्टाइल अपुन ने पहली टाइम देखे ले अपुन का नाम मन्नू है क्या और बहादुरों से दोस्ती करना अपुन का शौक है प्रेम सिंह इधर 24 कलाक हवा 12 कलाक धूप और 6 कलाक पानी मिलता है ऐसा फैसिलिटी है ना तेरे को अक्खा बंबई में नहीं मिलेगा क्या अक्खी बंबई में तेरे जैसा इंसान भी नहीं मिलता जो एक अजनबी को दोस्त बनाकर अपने घर ले आए देख प्रेम सिंह दोस्त बनाने के लिए अपन मुलाकातें नहीं गिनता दिल देखता है दिल तेरी बहादुरी देखकर और ट्रेजेडी सुनकर अपन इमोशनल हो गया था यार है तू यहां मजे से रहे पापी और अपनी बहन को ढूंढ नो नो मैन बंबई में लोग नौकरी ढूंढने को आता है छोकरी ढूंढने को आता है और तुम सरदार जी को बहन ढूंढने को बोलता है मेरा नाम पीपी है तुम्हारा नाम क्या है प्रेम सिंह ओह हाउ स्वीट फिर तो तुम प्रेम करने में एकदम एक्सपर्ट होएगा ना बगल में रहती हूँ जब चाहे बुला लेना आ जाऊंगी बगल में बाय द वे तुम्हारी सिस्टर का क्या नाम है नीलू अरे क्या बात कर रहे हो सोने का भाव कभी नहीं बदलता सोने का भाव है सोने का हार कुछ तो देगा मौसी ओ मौसी मौसी हाँ मौसी मैं हूँ तुम्हारी भांजी बसंती मेरी कोई भांजी नहीं है अरे क्या हुआ मौसी तो मेरी भी मर चुकी है पर आपको देखकर उनकी याद आ गई रो मत बेटी रो मत नहीं नहीं रो मत अच्छा मौसी फिर मिलूंगी अच्छा बेचारी मिसेस गुप्ता आपका नेकलेस मेरा सोने का हार, मेरा कितना नुकसान हो गया
अरे तुम्हारे साथ साथ अपन का भी बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, लेकिन मौसी काकी चाची डरने का नहीं, तुम्हारा हार मिल जाएगा। अरे बाबा कैसा मिलेगा, वो लड़की तो अब तक भाग गई। अरे ऐसे कैसे भाग जाएगी, उसके बाप का माल है क्या भागने को। अरे भेंडी अपन के यहाँ होते हुए कोई दूसरा चोर आई नहीं, मेरा मतलब है कि अपन के यहाँ होते हुए चोरी हो ही नहीं सकती। अरे जैसे एक घर में दो औरतें चुप नहीं रह सकती ना, वैसे एक मैदान में दो तलवार नहीं रह सकती। भेंडी एक एक की चेकिंग की जाएगी, सबकी तलाशी ली जाएगी। अच्छा मौसी आपको चोर का चोकटा याद है क्या? नहीं बेटे कुछ नहीं मालूम, तुम ही कुछ करो। कुछ नहीं मालूम, कोई बात नहीं, मेरे को सब कुछ मालूम है। मैं अभी आपको पकड़ के बताता। इंडिया इतनी तरक्की कर गया, क्या पुतला बना ला, एकदम रियल के माफी दिखता है। तू क्या अपन को बहुत पसंद आ गई, अपन तेरे को घर में लेके जाएंगे, बाद में तेरे में जान डालेगा क्या। अभी क्या है, तू अपन की दोस्त बन गई लिए इसलिए तेरे को अपन एक सवाल पूछता है। भेंडी ये दारू पीने के बाद तेरे को लोगों की जेबें टटोलने की आदत क्यों है? ये तो मेरी बचपन की आदत है। बचपन की आदत है, बहुत गड़बड़ बात है मालूम। भेंडी कभी किसी का जेब फटेला हो तो और किसी का हार छुपाना भी बुरी आदत है। बता मेरा हार कहाँ है? चाकू, चाकू दिखा के हार मांगा? अरे मांगना है तो अपुन का दिल मांग, मांगना है तो अपुन के जिगर का कुर्दा मांग, मांगना है तो अपनी जान मांग, अपुन का ईमान मांग। भेंडी मांग मांग के मांगा तो साला हार मांगा, ये जेवर औरत लोगों का वीकनेस होता है। अरे रातल पार्सल तू चौकने के साथ गड़बड़ करता है, क्या कर रहा है? भाग गया, अच्छा भाग गया, पर वो भाग गया। मैं तो हूँ ना, ज्यादा कुछ किया नहीं ना, चल चलते हैं कोने में। ये भारतीय रे, अरे बाप रे, ये भारतीय छोकरी भाई भी भागता है। चली वो चली चुरा के ले चली, दिल मेरा चुटकी बजा के ले चली। ये चली वो चली चुरा के ले चली, दिल मेरा चुटकी बजा के ले चली। देखो जालिम नहीं कांच का टुकड़ा, दिल तो है मेरा एक हीरा असली। ये चला वो चला चुरा के ले चली वो चली चुरा के ले चली, ये चला वो चला चुरा के ले चला।
जरा रुक 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 मैं सोच लूं जरा, प्यार का ये सौदा है छोटा या बड़ा, गोरी तेरी बातें है सुहाग रातें, खाली बातों में तेरी है क्या धरा, मिलती है तेरे जैसी गली गली, ये चली वो चली चुरा के ले चली, दिल मेरा चुटकी बजा के ले चली। चली वो चली चुरा के ले चली, दिल मेरा चुटकी बजा के ले चली, देखो जालिम नहीं कांच का टुकड़ा, दिल तो है मेरा एक ही ना असली, ये चला वो चला चुरा के ले चला, दिल मेरा चुटकी बजा के ले चला, झुलमी मसल के कहीं थे ये चली वो चली चुरा के ले चली, ये चला वो चला चुरा के ले चला। माँ माँ आ गया बेटी। माँ ये नीलू है। नमस्ते। नमस्ते। मेरे साथ मेरे ऑफिस में काम करती है। वो अपना ऑफिस है ना एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का? हाँ हाँ माँ जी, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। अरे रहने तो बेटी ऐसे ऑफिस को, जहाँ न दिन का पता है और न रात का, कभी कभी महीनों महीनों ये बेटे को माँ से अलग कर देता है। वो माँ तू तो जानती है कि मेरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट बाहर अंदर अंदर बाहर का धंधा है। वसूली करने के लिए बोरीवली कांदीवली चांदीवली चिंचपोकली कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, और कभी कभी तो सरकार का मेहमान भी बनना पड़ता है। और माँ सरकार तेरे बेटे की इतनी इज्जत करती है, इतनी इज्जत करती है कि हफ्ते भर में छोड़ती ही नहीं है, कहती महीना डेढ़ महीना रुक के जाओ। और उन दिनों में तेरी माँ की क्या हालत होती है उन्हें मालूम है बेटे? क्यों बेटी, तुझे भी सरकारी मेहमान बनकर इसी तरह बाहर जाना पड़ता है? नहीं माँ, मैं नई नई हूँ ना इस बिजनेस में, अब तक चांस नहीं मिला। ना ही मिले तो अच्छा है बेटी, तू ऐसे काम नहीं करना। तू रहती कहाँ है? जी वो माँ इसका बम्बई में कोई नहीं है, आज ही तो आई है अभी। बेचारी, अब तो इसको अकेले ही रहना पड़ेगा। क्यों? अकेले क्यों रहना पड़ेगा, तू यही रहेगी बेटी मेरे साथ अपनी माँ के सामने। अब तुम दोनों हाथ मुंह धो लो, मैं खाना तैयार करती हूँ। वाह, लोग बोलते हैं कि आखा बंबई में खाना है तो सिर्फ ताजमहल होटल का या तो अपनी जोरों के हाथों का। यार लेकिन अपुन बोलता है कि बंबई में नहीं लेकिन अखा इंडिया में खाना है तो साढ़े यार प्रेम सिंह के हाथों का। सच बोलता है यार प्रेमी, अगर तू छोकरी होता ना तो अभी तक तुम मेरे एक दर्जन बच्चों की माँ होता। कौन है? हाँ सरदार जी, मुझे बचा लीजिए।
कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं, वो मुझे ले जाएंगे। देखिए वो लोग आ गए, मुझे छुपा लीजिए प्लीज। दरवाजा खोलो, यहाँ कोई लड़की तो नहीं आई? नहीं तो? वो पॉकेट मार है, वो चोर है। यहाँ कोई नहीं आया, आप चाहे तो देख सकते हैं। ये खून किसका है? ये मेरा ही खून है। सॉरी, चलो। ये बंबई शहर है प्रेम सिंह, आदमी को बहुत कुछ बना देता है। अरे शुक्र कर यार, तेरी बहन तो सिर्फ चोर बनी। देख अब तुझे किधर जाने की जरूरत नहीं, ऊपर वाले पर भरोसा रख, तेरी बहन तेरे को इधर ही मिलेगी। क्या अगर वो सरदार मुझे पुलिस से ना बचाता तो कन्नू तेरी ये नीलू तुझसे 3 महीने के लिए बिछड़ जाती और मैं तो तुझसे 1 दिन भी दूर नहीं रह सकती। इसीलिए तो अपन तेरे को बोलता कि अगर तेरे को ऐसा वैसा काम करने का है तो तू अपन के साथ रहती क्या को है? देख अपन को तेरा ऐसा वैसा काम करना पसंद नहीं है। हाँ देख कन्नू, मैं तेरे घर में फोकट में खाती हूँ, फोकट में रहती हूँ, लेकिन अपनी माँ और बहन को भेजने के लिए तुझसे तो पैसे नहीं ले सकती ना, उसके लिए कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ेगा। तू ऐसे सोचती क्या को है? हाँ अरे जब मेरी माँ ने तुझे कह दिया कि तू उसकी बहू है तो फिर क्या? अरे तेरी माँ मेरी माँ, मेरी माँ तेरी माँ। लेकिन 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 कुछ नहीं। देख आज के बाद तूने कोई भी ऐसा वैसा काम किया तो कन्नू से कनेक्शन नहीं। अल्लाह अल्लाह
अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह ये कैसा गजब हो गया, अल्लाह अल्लाह ये कैसा गजब हो गया। मटक न मचल न तेरा, आए हाय रे मटक न मचल न तेरा, और उस पे ये बरखा की रुत प्यारी। अल्लाह 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 ये कैसा गजब हो गया, अल्लाह अल्लाह ये कैसा गजब हो गया, ये जहानी में मरने के दिन आ गए आ गए। उनकी मालक क्या? आप फौरन जाकर ये दवाइयां लेकर आइए, देर नहीं करना वरना। डॉक्टर साहब, ये अपुन की मां तो नहीं है लेकिन अपुन बेटे का फर्ज अच्छी तरह जानता है। आज मुझे जाने दे, किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। शेंडी लगाता है, इमोशनल एक्टिंग करता है क्या? चेक कर लो, किसी की मां मर रही है यार। किसी की मर रही है ना, मेरी थोड़ी मर रही है। आज तेरी जबान और एक्टिंग नहीं चलेगी, आज चलेगा तो कन्नू का हाथ चलेगा। कन्नू मुझे अब जाने दे, हिसाब फिर कभी कर लेना। डायलॉग बोलता है क्या? देख कन्नू, आज मुझे जाने दे यार। निकल, बस का एक्सीडेंट हो गया। क्या बोला? बस का एक्सीडेंट हो गया। हटो भाई। मां 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 मां, डॉक्टर साहब मेरी मां, दवा अगर जल्दी नहीं आई तो कुछ भी हो सकता है। नहीं, मां
ले लीजिए डॉक्टर साहब दवाइयाँ। अब घबराने की कोई बात नहीं। की जिंदगी और मौत का सवाल है। टेंडी लगाता है, इमोशनल एक्टिंग करता है। देख तू बराबर बोल रहा है, अपन मानता है कि तू सही और अपन गलत है, लेकिन देख अपन का मां मर जाएगा यार। अपन की मां नहीं मर रही है, तेरी मां मर रही है। देख बाबा, अरे चला नाड़ मत बदलो। बोलो अपुन का माँ का जान के वास्ते अपुन तेरा हाथ भी जोड़े, अपुन तेरा पाँव पड़ने को तैयार है, लेकिन देख अपुन का माँ का जान बचा लिया। मनु से जब भी टकराना पूरे इंतजाम से आना, क्योंकि इस बार तू गिरा है, अगली बार तेरी लाश गिरेगी, समझा? हिरमिट नहीं मिलता, क्या करे? वो देख मनु का यार आयला। सही वाह, और मैं क्या सरदार जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, बोल की गल है? अरे मनु के यार, आज अपुन तेरी लाश का पार्सल बनाकर उसके पास भेज देगा। अबे ओ गिदड़ की औलादों, सौ वाहे गुरु दी, मनु मेरा यार ही नहीं, मेरा सब कुछ है। मुझे मनु तक पहुंचाने से पहले तुम सब वहां पहुंच जाओगे। कुत्ते सिर्फ अपनी गली में गरजते हैं और ये हमारी गली है। खूब पहचाना अपने आप को, मगर मैं तेरी तरह कुत्ता नहीं हूं, मैं तो वाहे गुरु दा शेर हूं शेर। अगर मेरा यार मनु यहाँ आ गया ना, तो तुम सबको धनिये मसाले की तरह पीस कर रख देगा। बहुत जबान चलती है तेरी। मेरी जुबान ही नहीं, हाथ भी चलते हैं। पन बेवड़े न बापूस पन बेवड़ा ही पोरी कोणाची गळ्यात साखरी सोन्याची ही पोरी हे तू हे काय लावलं रे वा ब्लू पॅन्ट ब्लू शर्ट ब्लू पगडी अपुन के लेफ्ट हैंड का झापड़ पड़ेगा ना तो तेरा एक चौकटा है ना वो भी भूलू हो जाएगा क्या? आज जाकर बोल डाल तेरे मन्नू को कि अपनी मैयत का सामान तैयार रखे। कन्नू आ रहे लाए आंखों में अंगार लेकर तेरे से वटले भाग जा भैया, चल भाग जा। Yeah.
मनु आ गया है। अच्छा हुआ, नहीं तो उठा के लाना पड़ता। अभी तक कोई माँ ने ऐसा लाल पैदा नहीं किया है जो मनु को उठवा कर ला सके, और अभी तक किसी माँ ने ऐसा लाल भी पैदा नहीं किया जो कन्नू को धोखा देकर जिंदा रह सके। जिंदगी और मौत के फैसले जबान से नहीं, हाथों से किए जाते हैं, और इन हाथों की ताकत तू देख चुका है कन्नू। ताकत नहीं, धोखा बोल धोखा, समझा ना? मगर घबरा मत मन्नू, कन्नू दुश्मनी में भी दुश्मन को धोखा नहीं बल्कि बराबर का मौका देता है। सेकंड में तेरी और मेरी जिंदगी का फैसला हो जाएगा, या तू रहेगा या मैं। करते हैं हम प्यार मिस्टर कन्नू से, मिलना हमको सौ बार मिस्टर कन्नू से। अरे करते हैं हम प्यार मिस्टर कन्नू से, मिलना हमको सौ बार मिस्टर कन्नू से। यारी हम कैसे तोड़ेंगे, मन्नू को हम नहीं छोड़ेंगे। अरे लड़ना है बेकार मिस्टर मन्नू से। करते हैं हम प्यार मिस्टर कन्नू से, कन्नू से करते हैं हम प्यार मिस्टर कन्नू से, मिलना हमको सौ बार मिस्टर कन्नू से। बंद किया जाए के छोड़ दिया जाए, बोल इनके साथ क्या सुलू किया जाए, बोल इनके साथ क्या सुलू किया जाए। बाहर किया जाए के अंदर लिया जाए, बोल इनके साथ क्या सुलू किया जाए, बोल इनके साथ क्या सुलू किया जाए। सैयद अली यार का दुश्मन आए आए, मेरे यार का दुश्मन आए आए, सैयद अली यार का दुश्मन आए आए, मेरे यार का दुश्मन आए आए।
डंडा दिखलाए क्या रोग जमाए कहना ना माने ले जाए थाने अरे यारों का मिलना मुश्किल सैयद अली के कारण सैयद अली यार का दुश्मन आए आए मेरे यार का दुश्मन आए हाय ठीक है चलो फुटो यहाँ से चलो चले और कहीं चलो चले और कहीं अपने लिए ये जगह ठीक नहीं यारो चलो चले और कहीं अपने लिए ये जगह ठीक नहीं यारो चलो चले और कहीं अपने लिए ये जगह ठीक नहीं मैं तेरा दुश्मन तू मेरा देखूंगा जोर तेरा देखूंगा जोर तेरा बड़े दिनों से तेरा मेरा मना तू है मैं तेरा दुश्मन तू मेरा देखूंगा जोर तेरा देखूंगा जोर तेरा अनहोनी को होनी कर दे होनी को अनहोनी अनहोनी को होनी कर दे होनी को अनहोनी एक जगह जब जमा हो दोनों कन्नू मन्नू हम बने तुम बने एक दूजे के लिए हम बने तुम बने एक दूजे के लिए I don't know what you say I don't know what you say I don't know what you say but I want you to go away कन्नू चलो चलते हैं मन्नू चलो चलते हैं फिर कब मिलोगे जब तुम कहोगे कहाँ वही जहाँ ये लोग आते जाते नहीं Welcome to my country, Mr. John. KK और उसके सब साथी आपका बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं. I'm also very anxious to meet them. और सुनाओ तुम्हारे हिंदुस्तान का क्या हाल है? बस यूं समझ लो कि एक पान की दुकान से लेकर फाइव स्टार होटल तक, एक स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक, KK साहब का खूबसूरत नशा जीने की जरूरत बनता जा रहा है. और कानून? कानून हिंदुस्तान में जिसकी तिजोरी में दौलत हो कानून उसकी जेब में रहता है और फांसी का फंदा गले में. हैंड्स अप. इस रोज का कब से इंतजार था कि कब केके के आदमी रंगे हाथों पकड़े जाए ताकि फांसी का फंदा केके और तुम सबके गले में हो. जेंटलमैन, बड़े दुख की बात है कि हम जनता तक वो दवा पहुंचाने में नाकामयाब रहे जिसे कानून कोकीन कहता है, नशा और जहर का नाम देता है. इस काली दुनिया में हम सफेद नाग हैं. नाग भी शरीर में जहर भरता है, हम भी जहर भरते हैं, लेकिन नाग डसता है, हम डसते नहीं. हमारा नशा आने वाली नस्ल की रगों में आहिस्ता आहिस्ता खून की तरह बढ़ता जा रहा है
और जैसे इंसान खून के बगैर जिंदा नहीं रहता, उसी तरह हमारे नशा करने वालों की हालत होने वाली है। लेकिन पुलिस बहुत चौकन्नी है। पिछले 6 महीनों में हमारे कोकीन सप्लाई करने वालों को उन्होंने आवारा कुत्तों की तरह पकड़ा। यही वजह है कि हमारा माल जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं, बहुत जल्द आपके इलाकों में यह माल पहुंच जाएगा। हम ऐसे आदमियों का इंतजाम कर रहे हैं जो पुलिस तो क्या, यमराज को भी चकमा देकर निकल जाए। सर, लेकिन वो लोग कौन है? वही नंबरी बदमाश मन्नू और कन्नू। पंगुला, ये आप क्या कह रहे हैं डैड? मैं उन लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता। उन दोनों का क्या है? वो दोनों आपस में मिलके कभी भी हमें डबल क्रॉस कर सकते हैं। देखो बेटा, हमारा बाप बनने की कोशिश मत करो। जाओ और जाकर उन्हें कॉन्टेक्ट करो। साला, हम छोटा आदमी की लाइफ में एक बहुत बैड हैबिट है ड्रीम देखने का। कल तक अपुन सोचता था कि अपुन की लाइफ में भी तेरे माफी की ड्रीम गर्ल आ जाए, और आज जब अपुन की लाइफ में ये प्यारी सी ड्रीम गर्ल आई है तो अपुन ये सोचता है कि अपुन के लाइफ टाइम ड्रीम की सारी खुशियां अपुन की इस प्यारी सी ड्रीम गर्ल के ऊपर नछावर कर दे। आज अपुन अपने आप से नहीं तेरे से प्रॉमिस करता है कि अपुन ये ड्रीम के लिए अपनी पूरी जिंदगी दाव पे लगा देगा, दाव पे। और अपुन तेरे को अपना वाइफ तब बनाएगा जब अपुन अपुन का लाइफ में अपुन का ड्रीम गर्ल का माफिक एकदम एकदम फिट बढ़ जाएगा। तू समझ रही ना मनु? प्यार करने वाले ड्रीम जरूर देखते हैं, लेकिन उनका ड्रीम दुनिया की खुशियां नहीं, अपने महबूब का साथ होता है। अब तो सिर्फ एक ही वादा कर दे कि ये साथ कभी ना छूटे। छूटे तो वो काम छूटे जो तुम्हें मुझसे दूर ले जाता है। सच? क्या चाहिए तुम? खरीदोगे? हो सकता है अगर मैं ये कहूं कि ये दुकान बंद हो गई है तो अगर तुम ऐसा कहोगे तो मैं ये समझूंगा कि तुम अपना भाव बढ़ाना चाहते हो। गुड। लेकिन ये सौदा हो या ना हो, मैं इतना जरूर जानना चाहूंगा कि आजकल अपना मार्केट में भाव क्या चल रहा है? मुंह मांगा, बिच्छू का दिल भी बड़ा और जेब भी। इस धंधे के बाद तो तेरे जैसे गंदे आदमी से नहीं मिलेगा, क्योंकि बिच्छू अब मन्नू की जिंदगी में एक परी आ गई है। पर अगर अपुन इसके लिए फरिश्ता नहीं बन सका तो एक अच्छा आदमी जरूर बनेगा। टोल ट्रक में माल क्या है? वही स्मगलिंग का रेडियो वीडियो कपड़ा। और अगर लफड़ा हुआ बिच्छू तो तू बिच्छू जरूर रहेगा, लेकिन बगैर डंक के, समझा? माल क्या है? इस ट्रक में सिर्फ रेडियो वीडियो और कपड़े, इसलिए तो तुम्हारा जैसा आदमी चुना है। सोनपुर चर्च के पीछे हमारा आदमी तुम्हारा इंतजार करेगा। ट्रक का नंबर क्या है? हेलो, हेलो, पुलिस स्टेशन? यस। सोनपुर रोड के ऊपर एक ट्रक जा रहा है, ट्रक के अंदर स्मगलिंग का माल है। ट्रक का नंबर है CHW 6163। आर यू श्योर? तुम्हारी इन्फॉर्मेशन पक्की है? वेरी गुड। अरे हाय हाय, ये मजदूर और मेरी नीलू से ये दूर, मुझे पल पल है सताए। अरे ऐसी आलतू फालतू नौकरी और मेरी लाखों की छोकरी जाए। Thank you.
मैंने कहा था ना, अगर तुम दोनों ने गुनाहों का रास्ता नहीं छोड़ा तो एक दिन ये सजा इतनी लंबी हो जाएगी कि तुम्हारी जवानी जेल में कट जाएगी। डैड, आई एम सॉरी, मैंने तो ऐसा फूल प्रूफ प्लान बनाया था। यू नो डैड, मैंने कन्नू को थोड़ा सा माल दिलवाकर पुलिस को उसके पीछे लगवा दिया था ताकि मन्नू के लिए रास्ता साफ हो जाए और हमारा सारा स्टॉक हमारे पास पहुंच जाए। मगर डैड, ये इंस्पेक्टर सेना हम सबसे ज्यादा चालाक निकला। लेकिन बेटा बिच्छू, ये लड़का मन्नू तो इंस्पेक्टर से भी ज्यादा होशियार निकला। ये देखो, उसके पास सिर्फ 300 ग्राम कोकीन बरामद हुआ है। मतलब डैड? मतलब ये कि गिरफ्तार होने से पहले उसने बाकी का माल कहीं और छिपा दिया होगा। बेटा, अब एक काम करो, मनु को खबर करो कि किसी तरह भी जेल से भागकर लाल कोठी पहुंचे। सिन्हा साहब, हमारे आदमियों ने इस पूरे इलाके का चप्पा चप्पा छान मारा है, लेकिन कन्नू और मन्नू का कहीं पता नहीं चला। इस जंगल को चारों तरफ से घेर लो ताकि वो दोनों कहीं भाग ना पाए। सुना तो था लेकिन आज देख भी लिया है, गधों के सर पर सींग नहीं होते। फिर भी कुत्तों पे तो भारी होते हैं। Thank you.
कन्नू अपना रास्ता खुद ढूंढता है, समझा? और कन्नू किसी और के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलता, समझा? लेकिन अब तेरे को अपुन के साथ चलना पड़ेगा, समझा? क्योंकि बदकिस्मती से तेरा हाथ अपुन के हाथ से बंध गया है। और हाँ, हथकड़ी पत्थर से नहीं अक्कल से टूटती है। अपुन एक ऐसी जगह जानता है जहां से हथकड़ी भी कट जाएगी और पुलिस को भी खबर नहीं पड़ेगी। मन्नू एक बात याद रखना, कन्नू जिंदगी में एक बार दोस्ती में धोखा खा गया था, लेकिन दुश्मनी में कन्नू धोखा देने वाले को खा जाएगा। मन्नू अब जब भी हिसाब करेगा, हिसाब से करेगा, धोखे से नहीं, समझा? मिस्टर वर्मा, हमारी लाख कोशिशों के बावजूद हम उन दो कैदियों को ढूंढ नहीं पाए हैं। लगता है नदी पार करके कहीं घने जंगल में घुस गए हैं। इसीलिए उन दोनों को इस इलाके में ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। There is only one way. We must have a helicopter. Thank you.
अच्छा ऐसी अरे कोई फिक्र की बात नहीं, मैं जितनी फोर्स चाहे दूंगा। अरे भाई हेलीकॉप्टर भी दूंगा, लेकिन कंदू और मनु किसी हालत पर भी भाग नहीं पाए। अच्छा ओके सर। हाँ, ये कन्नू और मन्नू जिनके पास से सिर्फ 300-300 ग्राम कोकेन निकली है, सारी पुलिस फोर्स उनके पीछे दौड़ा रहे, बात को समझ में नहीं आई। मैंने 300 ग्राम नहीं 300 किलो माल पकड़ा है। 300 किलो? तो फिर वो बाकी माल कहाँ है? बाकी का माल मैंने हिफाजत से छुपा रखा है और अखबारों में जानबूझ कर ये खबर छपाई है कि सिर्फ 300 ग्राम माल पकड़ा गया। लेकिन हमें इससे क्या फायदा? फायदा है ना एक, मुझे पूरा यकीन है कि ये माल केके का है, और ये भी यकीन है कि केके इस वक्त ये समझ रहा है कि वो बाकी का माल कन्नू और मन्नू के पास है। जाहिर है वो कन्नू और मन्नू से मिलने आएगा और उस वक्त मैं उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लूंगा। तो ये बात है, कानून की दुनिया का वो मामूली सा प्यादा काली दुनिया के बादशाह के साथ तेरी चाल चली गया। लेकिन बिच्छू साहब, फिर भी वो ये बाजी जीत नहीं सकेगा, क्योंकि मुझे और सिन्हा को आपके इलाके में तैनात किया गया है। इस वक्त वो कहां होगा? अपनी बेटी का बर्थडे मनाने घर गया है। बेटी का बर्थडे? हंसते जाना तुम, गाते जाना गम में भी, खुशियों के दीप जलाते जाना। हंसते जाना तुम, गाते जाना गम में भी, खुशियों के दीप जलाते जाना। कांटों पे चलना, शोलों में जलना, जुल्मों के तूफानों से टकराते जाना। हंसते जाना तुम, गाते जाना गम में भी, खुशियों के दीप जलाते जाना। हंसते जाना के दीप जलाते जाना। हंसते जाना होकर तुम ना घबराना।
गाते जाना, तुम गाते जाना, हमने भी खुशियों के भी जलाते जाना, कांटों पे चलना, छोलों में चलना, जुल्मों के तूफानों से टकराते जाना, हंसते जाना, तुम गाते जाना, हमने भी खुशियों के दी जलाते जाना, हंसते जाना। हेलो भाभी जी, नमस्ते। नमस्ते भाई साहब, क्या बात है, आज आप गुड्डू के बर्थडे पर नहीं आए? अरे भाभी जी, आप तो पुलिस वालों को अच्छी तरह जानती हैं, आ ही रहा था कि रास्ते में। खैर जरा सिन्हा को दीजिए। एक मिनट। हाँ बोल नायक। सिन्हा, बड़ी खास इन्फॉर्मेशन मिली है, केके और बिच्छू दोनों लाल कोठी पर हैं और दोनों सबूतों के साथ पकड़े जा सकते हैं। ठीक है, तो पुलिस फोर्स लेकर पहुंच, में अभी आता हूं। सिन्हा साहब, देखे केके के हाथ जो कानून से कितने लंबे और मजबूत हैं। सिन्हा, मैं तुम्हें एक दोस्त के नाते मशवरा देता हूं, अगर तुम्हें हाथों से अपनी जान बचाना चाहते हो तो मेरी तरह कानून को अपनी मुट्ठी में बंद रखने वाले इन हाथों से हाथ मिला दो। सिन्हा, हड्डी के लिए गद्दारी करने वाले कुत्ते मशवरा नहीं दिया करते, सिर्फ अपने मालिक के तलवे चाटा करते हैं। और हाँ, तेरे इस मालिक के लिए भी मेरा एक मशवरा है, कानून को अपनी मुट्ठी में बंद रखने की गलतफहमी इससे पहले भी कई बेवकूफों ने की है, मगर अंजाम क्या हुआ? मौत। मौत? पर बिच्छू का काटा मरता नहीं, तड़पता है। हम समझे। सीधी तरह से माल का पता बताता है या मैं तेरा सीना चीर के खुद पता निकाल लूं। नहीं बेटा बिच्छू, नहीं। जिस तरह धूप होती है तो छांव का मजा आता है, भूख होती है तो खाने का मजा आता है, उसी तरह जब इस जैसा आदर्शवादी कानून का रखवाला हो तो कानून तोड़ने का मजा आता है। सेना, अब हम तुमसे कुछ नहीं पूछेंगे, बस तुम्हारे जिस्म की एक एक बोटी तुम्हारी खाल से उस वक्त तक अलग करते रहेंगे जब तक कि ना सिर्फ तुम हमें उस माल का पता बताओगे बल्कि हमारे तलवे चाट चाट कर जिंदगी भर हमारा पालतू कुत्ता बने रहने की कसम भी खाओगे। अरे केके, तुझे कुत्ते पालने का शौक है लेकिन पहचानना नहीं आता। अरे तेरे सामने जो खड़ा है वो नायक नहीं, सिन्हा है, इंस्पेक्टर सिन्हा। बोटी बोटी तो क्या, मेरे जिस्म से खून का एक एक कतरा भी निकल जाए तब भी इस वर्दी पर दाग नहीं लगने दूंगा। अरे आजमा कर देख ले, आज तेरे जुल्म की जीत है या मेरे इरादे की। मैंने तुमसे कहा था ना कि जब तक बताओगे नहीं तुम्हारे जिस्म से एक एक बोटी नोच लूंगा। देश की आन पे जान देने वाले मरा नहीं करते, अमर हो जाते हैं केके। अमर तो मैं तुम्हें करूंगा। कूला, जो अमर हो जाते हैं उन्हें मेडल भी मिलते हैं। सुना, अब बाजी इनके हाथ में है, मान लो इनकी बात। तुम बोल, माल कहाँ है? बोल, नहीं बताऊंगा। बोल, नहीं बताऊंगा। नहीं, किसी साहब पुलिस। बिच्छू, Ah!
पुलिस हमारा कुछ नहीं कर सकती कुछ नहीं कर सकती भाग जाओ गया की पत्नी होना भी एक सजा है। बस इंतजार ही इंतजार। जनाब ये आते हैं और ये जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब, दूर रहकर हम आपके दिल के करीब रहे या ना रहे, लेकिन हमारा बनाया हुआ स्वेटर जरूर आपके दिल के करीब रहेगा। देखिए कितना जच रहे हैं आप, लेकिन आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। भाभी, क्या बात है भाई साहब? भाभी, वो सिन्हा साहब, क्या हुआ उन्हें? सिन्हा साहब, बोलिए ना भाई साहब, बोलिए क्या हुआ ने? बोलिए ना भाई साहब, क्या हुआ ने? बोलिए भाई साहब, अभी बोलिए भाई साहब, सिन्हा साहब अभी दुनिया में नहीं रहे। करना कभी मौत के
दिखाए थे तुम नजर ना कभी आओ ले ले कसम मिलके वादा करे फर्ज के वास्ते हम जिए और मरे हम जिए और मरे कैसी भी मुश्किल हो पर तुम ना घबराना हंसते जाना तुम गाते जाना गम में भी खुशियों के भी जलाते जाना हंसते जाना गाते जाना गम में भी खुशियों के भी जलाते जाना चिता हमारे होनहार वफादार इंस्पेक्टर सिन्हा की नहीं बल्कि सारे डिपार्टमेंट पूरे महकमे की चिता है जुर्म के हाथों कानून की चिता चली है सर इससे पहले कि हमारे वफादार पुलिस ऑफिसरों का गला घोटना मुजरिमों का शौक बन जाए मेरी राय है कि उन दोनों कैदियों को फौरन गोली मार देनी चाहिए तो इसका मतलब है कि पुलिस कमिश्नर को यकीन हो गया है सिन्हा की मौत के जिम्मेदार वो दोनों कैदी ही हैं बिच्छू पुलिस के साथ साथ अपने आदमियों को भी उन दोनों के पीछे लगा दो और कह दो कि जहां भी दिखाई दें उन्हें गोली से उड़ा दें बंबई शहर के ये दो कैदी कन्नू और मनु जो कोकीन की स्मगलिंग करने के जुर्म में गिरफ्तार होने के बाद पुलिस हिरासत से भाग निकले थे उन्होंने इंस्पेक्टर सिन्हा का कत्ल कर दिया है और अभी तक फरार हैं बहुत बेबस होकर तेरे दर पर आई हुआ बहन तो गुम गई पर एक उम्मीद का आसरा था मनु को छीन कर तूने वो आसरा भी छीन लिया माँ माँ मेरे मनु को हर मुसीबत से बचा लेना माँ किधर चले गई थी तू बहुत ढूंढा मैंने तुझे बहुत ढूंढा क्या इसके सिवा मांगे
मिले दिलदार तो सदके जावा मैं, तुझ सा मिले दिलदार तो सदके जावा मैं, ये इश्क कमारा है, ये इश्क कमारा है, जो प्यार की चाहत में जन्मों से कमारा है, जन्मों से कमारा है, ये जन्मों से कमारा है, ये रूप की मलका है, ये रूप की मलका है, प्रीत के सीने से जैसे मोती ढलका है, जैसे मोती ढलका है, जैसे मोती ढलका है, चिक चन्ना में चला चिक चन्ना वे, चिक चन्ना में चला चिक चन्ना वे, मेरा यार पुराना है, जो तेरी सहेली पर बचपन से दीवाना है, बचपन से दीवाना है, ये बचपन से दीवाना है, चिक चन्ना वे चला चिक चन्ना वे, चिक चन्ना वे चला चिक चन्ना वे, दिल वालों को दिल वालों की जीत हुई, दिल वालों को दिल वालों की जीत हुई, दिन आए बहारों के, दिन आए बहारों के, मिल गए रब सदके, दिल बिछड़े यारों के, दिल बिछड़े यारों के, ओ दिल बिछड़े यारों के, बच्चा अंकल
किधर गए? उस तरफ गए। बेटे, तुम भगवान से क्या मांगने आए थे?
यही कि वो हमारे पापा को मारने वाले को पकड़वाए और उन्हें सजा दिलवाए। क्या तुम्हारे पापा को किसने मार डाला? हाँ तो गुंडों ने। कौन थे तुम्हारे पापा? क्या नाम था उनका? इंस्पेक्टर अमर सिन्हा और मैं उनकी पत्नी मिसेस सिन्हा। आप जानती हैं हम आपके पति के काबिल हैं। पुलिस की नजर में, दुनिया की नजर में, लेकिन मेरी नजर में नहीं। तो फिर असली कत्ल कौन है? केके, उसका बेटा बिच्छू और उनका खरीदा हुआ कुत्ता नायक। ये जुल्म और गद्दारी का वो जाल है जो तुम्हारी गिरफ्तारी से शुरू हुआ, मेरे पति की मौत बना और अब तुम्हारे लिए फांसी का फंदा बन चुका है। और इसकी वजह है केके की वो करोड़ों की कोकेन जिसे सिन्हा साहब ने तुम लोगों से बरामद की और जिसका पता तुम्हें भी नहीं मालूम। मगर ये सब आप कैसे जानती हैं? जब सिन्हा साहब गुड्डू के बर्थडे पर आए थे तब उनके पास वो कोकेन थी, उसका पता सिर्फ नायक को था। उसने उसे हासिल करने के लिए केके के साथ मिलकर मेरे पति की मौत का जाल बुन दिया। उसने टेलीफोन करके उन्हें लाल कोठी बुलाया। जब मैं उन्हें बाहर छोड़ने गई तो मैंने देखा भाई साहब। क्या बात है भाभी जी? जैसे वो यहाँ से निकले मैंने केके और बिच्छू को उनका पीछा करते हुए देखा। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए भाभी जी, सिन्हा अकेला नहीं है, उसके साथ पूरी पुलिस फोर्स है और मैं भी उसके साथ हूँ। और कल के अखबार की हेडलाइन इंस्पेक्टर सिन्हा से शुरू होगी। सचमुच उस दिन हर पेपर की हेडलाइन उन्हीं से शुरू हुई, लेकिन उनकी मौत की खबर से सच्चाई को दुनिया के सामने लाने के लिए मैं हर अफसर के पास गई, लेकिन जहां नायक जैसे बिके हुए अफसर हो वहां सिन्हा साहब जैसे अफसरों की कुर्बानी भी बेकार हो जाती है। आप फिक्र मत करना दीदी, सिन्हा साहब की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। उनके जिस्म से बहे हुए खून के एक एक कतरे की कसम, आपके आंखों से बहे एक एक आंसू, अब उन लोग उन कातिलों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हाँ, नहीं छोड़ेंगे। नमस्ते भाभी जी। आप मुझे पहचानने की कोशिश कर रही है ना? नहीं, कल के देख रही हूँ कि वर्दी कितनी सस्ती हो गई है, लोग कितने जख्म खाकर कितने जोखिम उठाकर इस औहदे तक पहुंचते हैं और आप इतनी ही कम उम्र में इतने बड़े अफसर बन गए। क्या है भाभी जी, मैं बचपन से ही बड़ा होनहार हूँ, इसलिए डायरेक्ट बड़ा ऑफिसर बना दिया गया हूँ और इसीलिए मुझे सिन्हा साहब के कत्ल की तहकीकात पर लगा दिया गया है। और वो दरअसल भाभी जी, मैं केके और बिच्छू की कोकीन के उस स्टॉक का चार्ज लेने आया हूं जो सिन्हा साहब के कब्जे में था।
कितने अच्छे थे हमारे सिन्हा साहब, हम पुलिस वालों के लिए तो एक आदर्श थे, एक मिसाल थे। अब देखना भाई साहब, मैं आपके कातिलों को नहीं छोड़ूंगा, सजा भी उन्हें सिर्फ मौत की मिलेगी। आइए मेरे साथ। नहीं रुको तुम लोग, भाभी जी ये आप मुझे कहां लेके जा रही हैं? पुलिस स्टेशन। के बेटे बिच्छू, तेरा धोखा खत्म हुआ। तूने धोखे से मेरे पति को मार दिया और उसका इल्जाम कन्नू और मनु पर लगा दिया। आज उन सब धोखों का हिसाब होगा। चल मेरे साथ पुलिस स्टेशन और बता अपने और अपने बाप काय के गुनाह। ये आप क्या कर रही हैं? ये असली है। जानती हूँ, इंस्पेक्टर सिन्हा की बीवी के लिए ये कोई नया खिलौना नहीं है। मैं इसे तुझसे अच्छा चला सकती हूँ। चुपचाप चल पुलिस स्टेशन। बहुत बोली, खूब बोली, मगर अब नहीं बोलेगी तू, क्योंकि बिच्छू का काटा मरता नहीं तड़पता है, मगर तू मरेगी। बिच्छू और उसके बाप का राज जान लेने के बाद कोई जिंदा नहीं रह सकता। जैसे वो तेरा ईमानदार पति। अरे हाँ, क्यों ना मैं तुझे तेरे उस पति के पास पहुंचा दूं? पहले भाई से तो मिल ले बिच्छू। भाई? हाँ भाई। अरे आप उनकी बहन को ऊपर पहुंचाने वाला, अभी तक पैदाइश नहीं हुए इस दुनिया में। अंकुला, चोर का भाई चोर तो सना था, मगर चोर की बहन इंस्पेक्टर की बीवी, ये पहली बार सुना। वो क्या है, ये जरा हाई लेवल की बात है, तेरे समझ में नहीं आएगी क्या? हमें तो सिर्फ एक ही बात समझ में आती है, अगर बहन को ऊपर भेजना है तो भाई को क्यों नीचे छोड़ दिया जाए खामा खामा रोने के लिए? नहीं नहीं नहीं, वो क्या है, ये उससे भी हाई लेवल की बात है। अरे ये मन्नू की बहन है, मन्नू की, तू क्या समझता रे, तेरे को भरेला पिस्तौल देगी? उधर देख। ए बिच्छू, याद है अपुन ने तुझसे कहा था कि अगर तूने ज्यादा लफड़ा किया ना तो तू बिच्छू रहेगा, लेकिन बगैर डंक के। बोल, तेरा बाप के कहा है, बोल बोल। मैं आप ही के पास जा रहा था। आपको किसी चीज की कोई तकलीफ तो नहीं? कफन की सफेदी वाले जब ये कपड़े तन पर आ जाते हैं तो तकलीफ जिंदगी का एक हिस्सा बन जाती है।
मैं आपके इस दर्द को समझता हूं और इस उम्र में पति का मर जाना। मरते वो है जो अपनी जान के लिए दूसरों की जान का सौदा करते हैं, अपनी जान दूसरों के लिए कुर्बान करने वाले मरते नहीं अमर हो जाते हैं। हाँ, वाकई अमर साहब मरकर अमर हो गए। हाँ अमर साहब तो मरकर भी अमर हो गए, मगर तुम तो जिंदा रहकर भी मर गए। भाभी जी, अपनी जबान से इस रिश्ते का नाम, तेरे जैसे लोग पुलिस में है तो लोगों ने पुलिस पर यकीन करना बंद कर दिया है और अब दोस्ती पर भी यकीन करना बंद कर देंगे। अरे कमीने, दलाली खाने का इतना ही शौक था तो किसी वेश्या के बाजार में जाकर बैठ गया होता, कम से कम तेरा वो अंजाम तो ना होता जो अब यहाँ होने वाला है। अरे कब तक बैठकर खाएगा उस दौलत को जिसके लिए तूने अपना ईमान बेच दिया और मेरा सुहाग उजाड़ डाला। आप जो जी चाहे कह लीजिए भाभी जी, जितने चाहे इल्जाम लगा लीजिए मुझ पर, लेकिन एक दिन कन्नू और मन्नू को गिरफ्तार करके मैं ये साबित कर दूंगा कि तू अपने मालिक के एक-एक का सच्चा कुत्ता है। मगर नहीं, तू कुत्ता नहीं, कुत्ते तो बड़े वफादार होते हैं। अरे जाकर देख पुलिस के उन वफादार कुत्तों को कैसे फर्ज के लिए अपनी जान दे देते हैं और कभी बिकते नहीं। अच्छा होता अगर तेरी ये वर्दी उन्हें पहना दी जाती, कम से कम इसकी इज्जत तो रह जाती। नायक, कब तक उन दोनों गुंडों का पता चलेगा? जी मैंने शहर का चप्पा चप्पा छान मारा, वो दोनों कैदी इस इलाके में नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो? तो क्या मेरे बेटे की हालत उनके भूतों ने बनाई है? अगर ये बात है के साहब, तो बहुत जल्द उन दोनों की लाशें आप तक पहुंच जाएंगी। केके कहा है? कौन केके? वही जिसके फेंके हुए टुकड़ों के आगे तुमने अपनी वर्दी अपने कानून को बेच दिया। क्या बकवास कर रहे हो? तुम भी कानून से भागे हुए हो, मैं तुम्हें गिरफ्तार कर सकता हूँ। ऐसे लफड़े, इससे पहले अपने बॉस केके से परमिशन तो ले ले। अब उन दोनों की लाश पहुंचाने का वादा किया था ना तूने, इससे पहले कि अपन दोनों तेरी लाश पहुंचा दें, पता केके कहां है? एक मिनट के अंदर बोल, वरना दूसरे मिनट के अंदर कानून हमारे हाथों में होगा। वो बोल केके कहां है? मुझे नहीं मालूम। केके कहां है? मुझे नहीं मालूम। कहां है केके? बताता हूं, बताता हूं। गुड्डू, 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 गुड्डू। तुझे बताना ही पड़ेगा, मेरा नाम भी केके है। एक बार तो क्या, हजार बार भी पूछेगा तो भी नहीं बताऊंगी उस जहर का पता जो हजारों जिंदगी की मौत का पता है। बेवकूफ औरत, केके से इज्जत नहीं किया करते। कुछ दिल आदमी सिपाहियों की बीवियों को आजमाया नहीं करते। ये आजमाइश का खेल मैंने तेरे पति के साथ भी खेला था और उसका अंजाम देखा तूने? हाँ देख लिया, तू हार गया और वो जीत गए। तूने उनकी जान तो ले ली लेकिन उनका मुंह ना खुलवा सका। क्योंकि उस वक्त वह अकेला था, मगर तेरे साथ तेरे प्यारे प्यारे दो बच्चे हैं। देखता हूँ तू जुबान कैसे नहीं खोलती। बड़े बदनसीब हो तुम जिन्हें ऐसी पत्थर दिल मां मिले। केके, केके नहीं भैया, इसका पूरा नाम तो है कलयुगी कंस। You're right, sister. कलयुगी कंस, हम तो खुश नसीब है कि हमें ऐसी मां मिली।
बदनसीब तो तेरी माँ होगी जिसे तेरे जैसा कंच बेटा मिला। वाह वाह वाह, जैसा पति वैसी पत्नी, जैसे माँ बाप वैसे बच्चे, खूब मजा आएगा पल्लू, खूब मजा आएगा। देखना तमाशा, टूट तो पत्थर भी जाते हैं बल्लू, लेकिन चीखने चिल्लाने के साथ और भी मजा आएगा। और भी मजा आएगा। मत मारो मेरे बच्चों को, मैं बताती हूँ। तो आखिर एक सिपाही की पत्नी टूट गई? सिपाही की पत्नी नहीं, एक माँ टूट गई। मैं बताती हूँ, वो माल नहीं माँ, नहीं माँ। बताओ, बोल। विधवा तो हो ही चुकी है, थोड़ी देर में बेऔलाद भी हो जाएगी। माल की तुझे तलाश है वो माल अपुन लेकर आ गए ना इधर। माल पूरा ले आए हो ना? माल तो लाया हूं केके, लेकिन एक शर्त। शर्त? कैसी शर्त? अगर तुम्हें ये माल चाहिए तो तुम्हें इंस्पेक्टर सिन्हा के बीवी और बच्चों को आजाद करना होगा। इस सोच में पड़ गए केके। सोच रहा हूं कि किराए के टट्टू सौदागर कब से बन गए? जब से तुम जैसे दलाल बच्चों का सौदा करने लगे। लेकिन नादान बच्चे, सौदागिरी में शर्त सौदा करने से पहले लगाई जाती है, बाद में नहीं। ये सौदा हो चुका है, तुम माल ला चुके हो और मेरे आदमी तुम्हें अपनी बंदूकों के निशाने पे रख चुके हैं। केके, ये तो अपन को मालूम था कि तेरे ऊपर के माले में अक्कल का स्टॉक कुछ कम है, लेकिन अभी तक अपन को ये नहीं मालूम था
कि तेरे आंखों की बैटरी भी अच्छी तरह से चार्ज नहीं है। क्या है कि तूने अपुन का यह तो देख लिया जिसमें तेरे माल का नमूना था, लेकिन अभी तक अपुन का दूसरा आदमी देखा जिसमें अपुन की अक्कल का नमूना है। लालटेन? हाँ लालटेन, अक्कल वालों को ये रात के अंधेरे में रास्ता दिखाने के काम आती है, और अक्कल के अंधों को दिन के उजाले में। ऊपर आग और नीचे तेल, और अगर इन दोनों के नीचे पेट्रोल के डिब्बों के साथ रखा हुआ तुम्हारा ये 5 करोड़ का माल आ जाए तो बाकी रह जाएगा सिर्फ दुआ। कहो तो बताओ। हाँ बोला। नहीं ठहरो, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। ए! छोड़ दो उन्हें। इस कंच ने हमें बहुत मारा। हाँ मुझे भी बहुत मारा। हमें बचाने के लिए तुमने अपने आप को मुसीबत में डाल दिया। आप फिक्र मत करो दीदी, हम तो पहले से ही मुसीबत में फंसे हुए थे, लेकिन अब बारी शैतान की आई है। अब बच्चों को लेकर यहां से भाग जाओ। ये तो करता है कि बच्चों पे उठने वाले और इंस्पेक्टर सिन्हा के खून से रंगे हुए तेरे हाथ काट के फेंक दो, लेकिन मजबूर हूं क्योंकि कानून कटे हुए हाथों पर हथकड़ी नहीं लगाया करता। कानून के जाल में चोंच घुसाकर दाना चुराने वाला ये परिंदा आज कौन सा गीत गा रहा है? वही जो तू नहीं समझ सकता। मैं तो सिर्फ इतना समझता हूं कि आज मैं अपने ही घर में अपने ही आदमियों के बीच इसलिए मात खा गया क्योंकि मेरी 5 करोड़ की कोकीन पर ये 5 रुपए की लालटेन पड़ी हुई थी। आराम साधे, खबरदार, अब मेरी कोकीन तेरे कब्जे में नहीं बल्कि तेरी जान मेरे कब्जे में है। के ज्यादा जोश सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि मुझको डर है अगर तुझे हकीकत का पता चल जाए तो कहीं तुझे हार्ट अटैक ना आ जाए। अरे अपुन का खून इतना गंदा नहीं है कि दूसरे के खून में जहर मिला देने वाली कोकीन अपुन तेरे हाथ में ऐसा जता ले। अपुन का ये 5 रुपए का लालटेन तेरे 5 करोड़ के कोकीन पे नहीं बल्कि तुझे चूना लगाने के लिए लाए गए 5 टके के चूने पे थी। चूना? हाँ चूना। आराम साधे, मैं तेरी जान है। बुद्धि लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है। तो तुम भी आ गए। अरे आने जाने के लिए अपुन कौन और तुम कौन, ये काम तो ऊपर वाला खुद ही करता है। और चूना लगाने वाले को चूना लगाने के लिए ऊपर वाले ने अपुन को नीचू भेज लाए। बात पल्ले पड़ी? नहीं ना, कोई बात नहीं, ये सब भेजे की बात है। एक मिनट अपुन एक्सप्लेन करता है। किसने चूना लिया? तुमको लगा डाला। अपुन ने इसके साथ दोस्ती किया, अपुन ने इसको लगा डाला। देख चूना चूना नहीं समझा,
अरे अपुन तेरा 5 करोड़ का कोकेन उस ट्रक में लेके आया है, समझा? सबको चूना लगा के आई बात समझ में? तो ओके बस। तूने दोस्ती में मेरे साथ क्यों लगा किया? क्यों किया तूने ऐसा? क्यों किया तूने ऐसा? गब्बास गब्बास। धोखेबाज के साथ धोखा करना चालाकी होता है, धोखा नहीं। और अपुन ने तेरे से पहले ही कहा था कि अपुन का दोस्त सिर्फ पैसा ही पैसा, और केके के लिए अपुन किसी के भी साथ धोखा कर सकता है। अरे उसके बेटे का हाथ पैर तोड़ दिया तो तू क्या है केके? बुरा नहीं मानना है, अपुन ने तेरे बेटे का थोबड़ा और ये पैर का नल्ली तोड़ डाला। ये कनबन क्या है? वो इंस्पेक्टर सिन्हा की बीवी है ना, वो अपुन के कॉन्फिडेंस में लाने के लिए। चलो चलो तुम अपना माल लो, अपना माल निकालो। मनु अगर तुम वाक्य ही मेरा माल लेकर आए हो तो तुम्हें माला मार कर दूंगा, वरना चेक करो, चेक करो, तुम खुद आकर चेक करो। ठीक है आलिया, चलो। तुम अपुन पे भरोसा नहीं करता है ना सेठ, लेकिन अपुन चेकिंग बैंक से नहीं घबराता। देखो के तुम अपुन के साथ फांदेबाजी कर सकता है, लेकिन अपुन माल देने वाले के साथ फांदेबाजी कभी नहीं करेगा, क्योंकि माल तुम अपुन को देता है ना, कानून बानून तो नहीं देता। लो चेक करो। ये क्या बारूद? हाँ के बारूद, और वो भी तुम्हारी कोकेन से बढ़िया, जल्दी जलता है और जल्दी ठिकाने भी पहुंचाता है। क्या क्यों कर लो? ठीक है मन्नो। ये लालटेन है के लालटेन, और अभी तक बुझी नहीं, इसलिए तुम हिलना नहीं, नहीं तो ये भी हिल जाएगी, समझा? और इवनिंग न्यूज बन जाएगी कि कोकेन का व्यापारी बारूद के लफड़े में पड़ के उसके चिथड़े उड़ गए। इसलिए तुम अच्छे बच्चे की तरह अपने उन बच्चों से कहो कि पुलिस आने तक भले बच्चे बने रहें। मन्नो ये क्या बेवकूफी है, तुम तो मेरे आदमी हो। गब्बास गब्बास। अरे इसीलिए तो अपुन ने यह लालटेन तेरे बारूद में नहीं फेंका, नहीं तो अभी तक स्टोरी दी एंड और खेल खाला, समझा? नहीं मनु, खेल ऐसे खत्म नहीं होगा, इस खेल के कुछ पत्ते मेरे पास भी है। गिराक! तुम दोनों की गर्लफ्रेंड मेरे पास है। साला अपुन भी खाली फोकट में बहुत ग्रेट बनने का कोशिश करता है, उस दिन अगर ये चूजे को खालस कर डालता तो आज ये साला मुर्गा बन के इधर चोच मारने नहीं आता। मनु लालटेन फेंक दे और मैं लड़कियों को उड़ा दूंगा। That's good. अंकुला तूने आज तक सिर्फ सुना था कि पिच्छू का काटा मरता नहीं तड़पता है, आज मैं उसे सच करके दिखाऊंगा। अबे ओ बिच्छू ज्यादा फुदक मत, ये तो क्या है कि वो अपुन की तेरे कब्जे में है ना, वरना अपुन तेरा और तेरे बाप का डिंग डोंग कब का कर चुका हूं। बिच्छू साहब जल्दी से इनका काम तमाम करो, केके साहब कुछ ही देर में पुलिस यहाँ पहुंचने वाली है और उनको ये मालूम हो चुका है कि मैं अभी का आदमी हूँ। हमारे यहाँ काम तमाम उसका किया जाता है जिसका काम खत्म हो जाता है, और काम इन छोकरों का नहीं तुम्हारा खत्म हो चुका है। केके साहब इन छोकरों को यहाँ का पता तुम्ही ने बताया था ना? अगर मैं इन्हें पता नहीं बताता तो ये मुझे जान से मार डालते हैं। यानी कि पैसे के लिए अगर तुम फर्ज के साथ गद्दारी कर सकते हो तो जान के लिए हमारे साथ भी कर सकते हो। नहीं के साहब, नहीं नहीं के साहब, के ये आपने क्यों किया रेड? अरे इंस्पेक्टर सिन्हा के कत्ल का इल्जाम तो इन दोनों छोकरों के सर पर है ही, अब ये भी इनके नाम से ही, मतलब इन दोनों की फांसी का बंदोबस्त पक्का, समझे? समझ गया डैड।
ए नमक हराम छोकरो, तुम्हारी माशू के इसी बारूद के ट्रक में हमारे साथ जाएंगी। दो घंटे के अंदर अगर तुमने मेरी कोकीन लाल कोठी पर नहीं पहुंचाई तो तुम्हारे ही बारूद से इनके चीथड़े उड़ाकर तुम्हारे पास भेज दूंगा। ए सुनो, सारा माल लेकर यहां से निकल जाओ, पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगना चाहिए। आओ कन्नू और मन्नू, आओ और देखो केके की शान और उसके जीने के अंदाज। ए केके, ये सब तू अपन को बाद में देखना, क्या पहले तू हम लोगों को उन लोगों से मिला दे जिन लोगों को देखने के लिए हम तुझे जहर देने के लिए तैयार हो गए। बहुत जल्दी है अपनी महबूबाओं से मिलने की, हमारे मेहमानों से नहीं मिलोगे जो बहुत देर से इंतजार में बैठे हैं कि तुम लोग उनके लिए माल लेकर आओगे। जेंटलमैन, यही है वो नाली के कीड़े जिन्होंने केके जैसे पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश की थी। पिछो बांध दो इन दोनों को। साला हमसे धोखा करता है, तू तो हमसे कहता था कि तू हमको छोड़ डालेगा। बिच्छू कहता नहीं काटता है, और बिच्छू का काटा मारता नहीं तड़पता है। बांध दो इन्हें। डर बे, चल अभी डर। हमारा माल तो आ गया मगर अपनी बेइज्जती का बदला इनसे कैसे लेना है। बेटे के अपनी दुश्मनों की जिंदगी का बही खाता उस वक्त तक बंद नहीं करता जब तक उनका हिसाब किताब पूरा ना हो जाए। जेंटलमैन, केके ने तुम्हारी दौलत के बदले में कोकीन और हेरोइन का नशा तो दिया ही है, लेकिन आज उसके साथ साथ बोनस में खूबसूरत नशा भी देगा। ये कोई महाभारत के दुर्योधन की सभा नहीं है जहां द्रौपदी को बचाने के लिए कृष्ण आ जाएगा। ये केके का दरबार है, यहां इन लड़कियों को बचाने के लिए ना कृष्ण आ सकता है ना कोई भगवान। केके, तेरे जैसे मामूली राक्षसों को मिटाने के लिए भगवान को आने की जरूरत भी नहीं। अरे उसके लिए तो इस सिपाही की बीवी ही काफी है। केके, अपने आदमियों से कहो कि हथियार फेंक दें, नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। सब अपने हथियार फेंक दो। मुझे मालूम था कि तू माल लेकर भी कन्नू और मनु से दगा करेगा, इसलिए मैं छिपकर तेरी मौत बनकर आई हूं। नीलू, कन्नू और मनु को खोल दो। मैंने आपसे कहा था ये पाप के काम एक दिन हमें ले डूबेंगे। आपने दौलत कमाने के लिए खुद तो ना जाने क्या क्या पाप किए, साथ में अपने बेटे को भी गुनाहों की दुनिया में धकेल दिया। डैड, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं डैड, हम लोग अपने आप को पुलिस के हवाले कर देते हैं। डैड, मैं अब तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, मैं अपने आपको पुलिस के हवाले कर दूंगा। मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं दीदी। दीदी तुम जाओ तो मुझे पुलिस के हवाले कर दो, मैं अपने बाप के खिलाफ गवाही दूंगा, गवाही दूंगा दीदी।
तुम चाहो तो मुझे गोली मार दो, मुझे गोली मार दो। पंकुला, तूने सोचा था कि इंस्पेक्टर सिन्हा को मारकर तेरे रास्ते की दीवार हट गई? के देश की आन पर मरने वाले मरते नहीं, अमर हो जाते, और उनके जिस्म से टपके हुए एक एक खून की बूंद से हजारों सिपाही पैदा हो जाते। जो जहर तू लोगों के रगों में भरता आ रहा है, आज वही जहर मैं तेरे नस नस में भर दूंगा। खुशियों के दी जलाते जाना, हंसते जाना।